हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि इसको कैसे असेंबल या बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है एटम बर्ग ब्रांड का स्टूडियो प्लस 1200 mm सीलिंग फैन। तो इसके जो साइलेंट फीचर है, इसमें BLDC मोटर लगी है, यानी कि ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। सुपर एफिशिएंट है ये, मैक्सिमम जो है 28 वाट बिजली कंज्यूम करती है। इसके साथ जो है आपको एक रिमोट मिलेगा जिसमें नाइट ग्लो भी है, और रिमोट में आपको बूस्ट, स्लीप और टाइमर मोड मिलेंगे। LED इंडिकेशन है फॉर द स्पीड, जैसे आप स्पीड चेंज करोगे तो इसमें LED से पता चल जाएगा भैया कौन सी स्पीड में आप चला रहे हो। और वुडन फिनिश दिया गया है बॉटम का, तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बढ़िया सा लुक आया है एटम बर्ग की तरफ से। इसका जो प्राइस जो है मुझे 4400 रुपए के आसपास पड़ा था, पर आजकल जो है यही मॉडल जो है 4100 रुपए का आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, और आप चाहो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंपनी ने जो है इसकी प्राइस जो है 5500 रुपए के आसपास रखा है, पर ये आपको नॉर्मली 4400 रुपए का पड़ जाएगा। ये इनका टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। और इनकी जो सर्विस है, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, बहुत ही अच्छी है। आप इनको ईमेल कर सकते हैं इनके टोल फ्री नंबर पे, इनके इंजीनियर से बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो है इसकी सीलिंग काटता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक ये सील खुल रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, BLDC जो फैन होते हैं वो मिनिमम जो है 8-10 वाट बिजली कंज्यूम करेंगे, और फुल स्पीड पे जो है वो 28 से लेकर 30 वाट तक करते हैं। मतलब जितनी स्पीड आप रखोगे उतनी ही बिजली कंज्यूम करेंगे। ये 3 टाइम जो है लॉन्गर चलेंगे इन्वर्टर पर। ये फैन रोड है, एक प्रकार की एक्सटेंशन रोड है। तो पैकिंग जो है इसकी बहुत ही अच्छी आई है, एक एक पार्ट जो है इन्होंने बड़ी सावधानी से पैक किया हुआ है, और बहुत ही बढ़िया लुक आया है। ये इसका रिमोट है जो कि नाइट में ग्लो करेगा, और ये आप इसके फंक्शन देख सकते हैं, स्पीड, बूस्ट मोड, स्लीप, टाइमर। और ये देखिए, ये इसको लगाने के लिए हुक है, तो ये आपने ओरिजिनल यूज करना है। ये एक एक्स्ट्रा नट्स आए हैं, तो ये हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या ये पार्ट्स निकाल रहे हैं। तो हमारे ये हेल्पर आए हुए हैं स्पेशल फैन को असेंबल करने के लिए, तो आप चाहो तो खुद भी असेंबल कर सकते हैं। आसान है, जैसे आप नॉर्मल फैन को करते हैं वैसे ही करना है। ये हमारी मेन मोटर है, इसको अनरैपिंग कर दो, निकाल दो। तो ये देखिए, तो काफी अच्छा लुक आया है। ये देखिए, बहुत ही हल्का है, लाइट इन वेट है। नीचे जो है वुडन लुक दिया गया है, और इसमें कम से कम 6 LEDs हैं स्पीड इंडिकेटर के लिए, और इसके अंदर ही आपका DC to AC कन्वर्टर होता है। ये एक्सटेंशन रोड हो गई है, और आप और निकालिए, तो इसमें जो है हमारे स्पेशल टाइप के कप्स कह सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार का अटैचमेंट है, तो हम फर्स्ट टाइम इसको असेंबल कर रहे हैं, तो हो सकता है हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए या हमें ज़्यादा टाइम लग जाए। एक बार दिखाइए कैसे इसके कप्स हैं। तो जो हमारा फैन रोड है इसको पूरा एक कवर कर लेगा, तो ये हमें समझ कर लगाना पड़ेगा कि भैया ये कैसे लगेगा। तो जैसे ये हिस्सा यहाँ पर आएगा और फिर ये अंदर फिट होगा, तो देखना पड़ेगा भैया कैसे असेंबल होगा। और ये इसमें जो है इसके प्लेट्स हैं, प्लेट्स भी इस बार जो है काफ़ी सुंदर आए हैं। तो ये सारे इसके जो पार्ट्स हैं बाहर हमने निकाल दिए हैं, आप ये देखिए आराम से। तो ये देखिए, ये इसके ब्लेड्स हैं, तो ब्लेड्स में भी एक अलग से ये डिज़ाइन दिया गया है, तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया जो है लुक दिया गया है। मेटालिक पेंट इसमें किया गया है। फ्रेंड्स, ऑनेस्ट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सेलर हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्री रिव्यू के लिए। हम जो है इसको असेंबल शुरू कर रहे हैं, तो ये देखिए हम फैन रोड में जो है, एक मिनट दिखाइए, ये हमने तार डाली है, यहाँ से तार डाली है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, जैसे आप नॉर्मल सीलिंग फैन को असेंबल करते हैं वही तरीका है। तो ये तार यहाँ से निकलेगी या यहाँ से निकलेगा, ये कवर डाल के फिर। अच्छा, तो आप इस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से इसको असेंबल कर पाएंगे। यहाँ से काट रहे हैं, और शायद अब जो है ये कैसे आपने इसको लगाना है, एक एक चीज़ जो है आपने प्रॉपर करनी होती है वायरिंग। तो यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है, और ये जो है इन्होंने स्क्रू आया है, ये शायद यहाँ पर लगेगा ना। ये देखिए कैसे इसको लगाना है, तो ये पहले ढीले कर रहे हैं, और बिल्कुल इसके ओरिजिनल पार्ट आपने यूज़ करने हैं, इधर उधर के नट्स या बोल्ट आपने नहीं यूज़ करने हैं। और इनकी
खास तौर पर ये स्पेशल कहा गया कि इनके सारे पार्ट जो हैं आपने ओरिजिनल यूज करने हैं। तो ये देखिए, ये हमने स्क्रू डाल दिया, फिर इसके ऊपर वाशर, ये जो भी सारे हम लगाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आपका फैन गिर भी सकता है हायर स्पीड पर। तो ये हमने कर दिया और अब जो है इसको हम टाइट कर रहे हैं, और इसके लास्ट में जो है एक लॉक भी होगा, और वो लॉक जो है बहुत ज़रूरी होता है सीलिंग फैन में। तो दो ये हमारे नट हो गए। लॉक बहुत जरूरी है, और इसको ऐसे टाइट करना है। और अब जो है ये तार को छील रहे हैं, तो शायद वायरिंग का काम शुरू हो गया है। तो वायरिंग जो है आपने बड़ी सावधानी से करनी है, उल्टी सीधी हो जाए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कैसे आपने लगाना है, ये कह रहे हैं कि भैया खुली छूट है, कोई भी तार कैसे भी लगा दो, फेज और न्यूट्रल का कोई चक्कर नहीं पड़ता इसमें, कोई चक्कर नहीं है। तो ये देखिए ये लगा रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना देखे, बस तार छिली और कुछ हेट दी, तो पटाखा ना बच जाए, या उल्टा फैन चलता कई बार, वो क्या होता है, तो फिर उसको दोबारा सही करना पड़ता है। तो ये देखिए कैसे आपने तार लगानी है, यहाँ पर दो जगह दी गई, होल्स दिए गए हैं, तो टेस्टर की मदद से खोलकर इसको फिर आपने टाइट करना है। तो ये थोड़ा सा निकल रहा है, और अब जो है इसको हम टाइट कर देंगे, और ये जो है हमारी तार जो है ये डायरेक्ट हमारी जो छत है उसमें पावर कनेक्शन मिल लगेगी। और ये जो है हमने पहले से डी ले कर रखे हैं, यहाँ पर हमारे ब्लेड्स लगेंगे। तो जितनी आप सीलिंग फैन को असेंबल करेंगे बनाएंगे, उतने ज़्यादा आप टाइम टू टाइम एक्सपर्ट होते जाएंगे, मतलब सीखते जाएंगे, तो आप आसानी से बना पाएंगे। इस बोल्ट के अंदर जो है एक वाशर होती है, वाशर समेत आपने लगाना है, बिना वाशर के जो है ये ब्लेड जो है हायर स्पीड पर निकल सकते हैं, तो ये आपने सावधानी जरूर करनी है। तो जैसे हमने एक ब्लेड्स लगाया है, ठीक वैसे ही हमने बाकी दो ब्लेड्स भी लगाने हैं, वो धीरे धीरे करके हम सारे लगाते जाएंगे। देखिए ये दूसरा ब्लेड्स हम लगा रहे हैं, तो पहले डी हाथों से, और फिर जो है ये हमारा फोर नॉक वाला स्क्रू ड्राइवर है, ये आपको ऑनलाइन जो है 100 रुपये या 150 रुपये का पड़ जाएगा। तो वीडियो के नीचे जो है हम इसका भी लिंक डाल देंगे, तो आप चाहो तो स्क्रू ड्राइवर भी ऑनलाइन अपडेट से मंगवा सकते हैं। तो अब जो हम तीसरा ब्लेड्स भी लगा देंगे, और ब्लेड्स को जो है लगाते वक्त आपने सावधानी करनी है कि भैया ब्लेड्स टेढ़े ना हो जाएं, किसी तरह से इसको फोर्स नहीं करना है। और ब्लेड्स पे जो है एंटी डस्ट कोटिंग की गई है, और मैंने देखा जिस फैन में एंटी डस्ट कोटिंग होती है उनमें सचमुच डस्ट नहीं चिपकती। मेरे पास दोनों फैन है जिसमें एंटी डस्ट कोटिंग भी है और एक में नहीं है, तो जिसमें एंटी डस्ट कोटिंग है तो वो फैन जो है कम गंदा होता है, और जिसमें नहीं है वो ज़्यादा गंदा होता है। तो ये हमने टाइट कर दी हैं तीनों ब्लेड्स। कप्स कैसे लगाएंगे, तो पहली बार ये देख रहे हैं, थोड़ा सा तरीका होगा, ये लग जाएगा, ये पहले लगाना पड़ेगा। तो पहले ये हुक लगाएंगे, और तो हुक्स के जो है हम ये वाशर ये नट्स जो है पहले ढीले करें, और यहाँ पर हम लगा देंगे, इन्होंने ढीले कर दी हैं। तो ये देख रहे हैं भैया कैसे लगेगा, समझ रहे हैं भैया, देख रहे हैं भैया कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, किधर होगा, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें शायद एक जगह मिली है इसको खोलने के लिए, ये वाला हिस्सा जो है शायद ऊपर आएगा, और देख रहे हैं भैया भी पहली बार इसको बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, तो हमें भी कोई आइडिया नहीं है। तो ये देखिए ये शायद नीचे की तरफ जाएगा, तो फंस गए हैं, इसका जो ये नट है वो थोड़ा सा ढीला कर रहे हैं, और फिर अब जो है पहले इसको समझ नहीं पा रहे भैया, कंफ्यूज हो गए हैं, फिर दोबारा डाल दिया है, और
क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये देखिए कोशिश जारी है। भैया तोड़ मत देना मेरे पंखे को, आप इनका यूजर मैनुअल देख लो, डायग्राम देख लो। दो आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमें फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। डायग्राम देख रहे हैं जो यूजर मैनुअल में तरीका समझ रहे हैं, और ये भैया अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। भैया प्रभु का नाम लो, चिंतन करो भैया, त्राहिमान त्राहिमान करो। आ गया पक्का ना? तो यूजर मैनुअल में हमने देखा भी है इसको कैसे असेंबल करना है। तो एक एक चीज़ जो है आपको यूजर मैनुअल में पता चल जाती है, नहीं तो यूट्यूब जिंदाबाद, हम जैसे यूट्यूबर तो हैं ही जो आपको सिखाते रहते हैं एक एक चीज़ बारीकी से। क्या हुआ भैया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं पा रहे हैं भैया, कंफ्यूज हो गए हैं भाई। हमने जो है इसके यूजर मैनुअल को ध्यान से देखा, तो सबसे पहले जो है हमें ये पार्ट्स लगाना है इस रोड पे। तो ये थोड़ा सा ये कैसे लगाना है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इनको, पहली बार जो है ये लगा रहे हैं, थोड़ा सा ढीला करेंगे तो अब ये आसानी से आ रहा है। इसको यहाँ तक करना है जहाँ तक आप इसका कवर करना चाहते हैं, तो ये ऊपर या नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं इसको। और ये एक बार ये कैसे किया ये दिखा दो जरा। अच्छा पहले आपने तार डालनी है इसके अंदर, तो ये देखिए, तो जो हिस्सा ऊपर जो है ये गोल सा हो रहा है ये ऊपर की तरफ आएगा, तो अब जो है ये इसमें फंसा देंगे। तो ये थोड़ा सा मैं रोड में जो है इसको जोर से करना पड़ रहा है, टाइट है बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ी सी इनको दिक्कत हो रही है। और अब जो है इसको ये नीचे ले जाएंगे जहाँ पर हमने ये लगाया है, इसके यहाँ तक ले जाएंगे। हो गया ये ऐसे भी नीचे जाएगा। अच्छा और अब जो है ये देखिए, ये हम इसका जो स्पेशल टाइप का जो कप है ये करेंगे। तो ये जब तक वो नीचे जो हमने छोटा सा पाइप डाला था ये, इससे जब तक ये वो नीचे नहीं जाएगा तब अब जो है ये हो गया प्रॉपर। तो थोड़ा सा दम ज़्यादा लगता है, तो वो चीज़ आपने देखनी है। तो उसको फिट करने में जो दिक्कत आती है वो है इसके स्पेशल टाइप के जो कप्स आए हैं, जो कि काफ़ी यूनिक है, मतलब बाकी नॉर्मल सीलिंग फैन में ऐसे कप नहीं होते हैं। जो जितने भी फैंसी फैन होंगे शायद उसमें भी ऐसे ही कप होंगे। तो ये हो गया फिट, या अभी भी कुछ कमी पेशी है? ये देखो ये भी तो है कुछ, इसका भी कुछ रोल होगा। तो ये थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, इसको वापस निकाल रहे हैं। तो हम आपको ये पूरी वीडियो ऐसे के ऐसे दिखाएंगे ताकि आप सीख लें कि हमसे क्या मिस्टेक हो रही है। अब जो है ये वापस हमने ये नीचे तक ले गए हैं, तो ये शायद नीचे तक जाएगा और थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। भाई साहब इसका रोल है, इसका कुछ तो रोल है। ये देख रहे हैं भैया क्या करें कि ना करें, कैसी मुश्किल हाय है। फ्रेंड्स हम वीडियो के नीचे जो है अपने अमेज़न पे स्टोर का लिंक डाल देंगे, आप वहां पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी बना रखी है। तो फ्रेंड्स अब जो है ये हम इसको वापस निकाल रहे हैं, तो ये शायद हमने उल्टा लगा दिया है, तो दोबारा हमें इसको सेट करना पड़ेगा ठीक ढंग से। तो ये हम दोबारा निकाल रहे हैं, तो हमारी मिस्टेक से आप सीख लीजिए कि इसको कैसे असेंबल करना है। अच्छा ये उल्टा लग गया था, तो ये हिस्सा हमारा उल्टा लग गया था, तो हमारा जो ऊपर जो कप टाइप था वो ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा था, इसको हम नीचे कर दिया है। तो यहाँ तक करना है, ये वायरिंग से थोड़ा सा ऊपर तक आपने इसको रखना है। और ये कप लगाओगे पहले? अच्छा अब आ रहा सही, चलो अब सही आ रहा है। तो आपने वो देख लेना कि जो पार्ट है वो हमने बिल्कुल उसी तरह से लगाना है जैसे हमने अभी लगाया है,
उल्टा सीधा आप मत लगाना। तो पहले हमने कप लगा दिया है और अब ये देखिए इसको हम इससे गुजारेंगे, पास करेंगे। तो थोड़ी सी दिक्कत आती है फर्स्ट टाइम असेंबल करते वक्त कोई नई चीज़ हो तो इसे हमने तार गुजार दिया और अब जो है ये हमारा लगभग असेंबल हो चुका है। जस्ट अब जो है इसको छत पर हमने टांगना है, फिट करना है। तो ये हमारा तैयार हो गया। बस एक छोटा सा पार्ट जो है हम उल्टा लगा रहे थे, तो हम जो है ये देखिए यहाँ पर जगह बनी हुई है। तो यहाँ पर तीन होल्स होते हैं, एक होल जो है हमारे तारों के लिए होता है और ये दो होल जो हैं इसको छत से टांगने के लिए होता है। ये देखिए कैसे आपने इसको करना है, शायद इस उनके हाथ अड़ रहे हैं। तो ये देखिए ये तार हम निकाल रहे हैं। तो तीसरा होल जो है किनारे पर, ये हमारा तारों के लिए और ये दो होल जो है इसको हैंग करने के लिए, टांगने के लिए। तो ये पहले से ही लगा रहे हैं। तो ये जो है मैक्सिमम स्पीड पे 28 वाट बिजली कंज्यूम करता है, नॉइस फ्री है, इन्वर्टर पे 3 टाइम्स चल जाता है। तो चलिए इसको अब हम हैंग करते हैं, अपनी छत पर लगाते हैं। फ्रेंड्स ये हम पुराना पंखे को हटा रहे हैं, तो ये देखिए, तो इसका हम हुक समेत हटा देंगे। तो ये भी हमारा BLDC फैन है, क्रिप्टन ब्रांड का है। तो हम जो है इसको कहीं और लगाएंगे और यहाँ पर जो है ये अपना एटम वर्क स्टूडियो प्लस लगाएंगे। तो ये देखें कैसे ये हुक निकाल रहे हैं। तो जस्ट पहले लॉक सिस्टम निकालना है। ऊपर से नहीं निकाल सकते क्या? तो इसका हाइट जा नहीं रहा, तो ये थोड़ा सा लॉक निकाल दिया और फिर जो है ये जो भी इसके नट्स वगैरह सब निकाल कर देंगे। तो ये देखिए हम जो है आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे आप अपना सीलिंग फैन बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है ये हम अपना एटम वर्क स्टूडियो प्लस फैन को अपनी छत पर लगा रहे हैं। ये देखिए तो जो हुक है ओरिजिनल वही आपने यूज करना है। और ये जो हिस्सा है ये शायद इसमें यूजफुल नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसको हटा ही दो तो अच्छा है। तो अब जो है ये हम सारे जो भी बोल्ट वाशर वगैरह आए हैं वो सब हम इसमें लगा देंगे। तो इसकी डंडी थोड़ी सी लंबी है क्या, 1.5 फीट है क्या? ये देखिए सारे वाशर या जितने भी नट्स हैं सब लगाने के बाद जो है ये चेक नट जरूर लगाना है लास्ट में, करता है लोक है। तो ये हम सारे टाइट कर देंगे और फाइनली जो है हमारा ये चेक नट आ गया। ये अपने बहुत जरूरी लगाना होता है क्योंकि आपकी जो ये नट्स हैं स्क्रू हैं ये ढीले होकर निकल सकते हैं, पर ये जो चेक नट होता है ये इसको निकलने से रोकता है। ये हमारा ये लग गया है, ये भी थोड़ी सी इनको दिक्कत आ रही है। तो एक एक चीज़ जो है हम आपको प्रॉपर दिखा रहे हैं, जो जो गलतियां हमसे हुई, जो जो दिक्कतें हमें आई, ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। कैसे आपने प्लेट्स को लगाना है, एक प्लेट हमने उल्टा लगा दिया था तो हमारा ये ऊपर का जो एक कप है वो लग ही नहीं रहा था, तो वो जो है अपने बिल्कुल प्रॉपर सही ढंग से लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है। और ये इसको फिर से टाइट करें, शायद ये ढीला हो गया था। तो एक एक बोल्ट है या जो नट है वाशर है उसको टाइट करना है। और अब जो है हम वायरिंग करेंगे। तो फालतू जो वायर है हम उसको अपने इस हैंगर में जो है बांध कर, हम जो है पुराने टेप उतार कर जो हमने ये रेड तार है इसे हम जोड़ देंगे और फिर वापस टेप लगा देंगे। तो ये हम लगाने के बाद जो है ये आप कलर कोड जरूर देख लें, मतलब रेड और ब्लैक वायर यूज करें तो बेहतर रहता है। अब जो इसको हम टेपिंग करेंगे, हमने उल्टा लगा दिया तो दिक्कत तो नहीं आ जाएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का ना? कुछ हो गया तो मैं आपको पकड़ूंगा वापस, भाई साहब की गारंटी है, कुछ हो गया तो इनको पकड़ लेना।
फेज और न्यूट्रल दोनों की तारें हमने लगा दिए हैं, और पीछे से पावर स्विच ऑफ जरूर कर दें ताकि आपको किसी प्रकार का करंट ना आए। उसको भी हम टेकिंग कर देंगे। और चलाया है तो इसमें चू चू की आवाज आ रही है, इसका मतलब जो ये कप्स है इसको टच करें, मैं आपको दिखाता हूँ आवाज। एक मिनट आप नीचे रहिए भाई साहब, ये देखिए चू चू की आवाज आ रही है। तो हम चेक करेंगे भैया हमसे क्या गलती हो गई है, गलती तो हमसे ही हुई है, तो हमने असेंबलिंग में कुछ ना कुछ कमी कर दी है, तो भैया चेक करेंगे। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं, तो ये ऑफ हो रहा है। तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है क्योंकि ये काफ़ी फैंसी फैन है, तो कप जो है शायद टच कर रहा होगा। देख रहे हैं भैया क्या दिक्कत है, क्यों हो रहा है, क्यों आवाज़ कर रहा है। ये बहुत ही साइलेंट फैन है, तो थोड़ी सी गलती से आवाज़ आने लगती है। अब जो है हम इसको दोबारा चलाएंगे, तो थोड़ा सा चेक करने के बाद जो है हमें इसको ऑन करें और चेक करेंगे भैया आवाज़ तो नहीं करेगा। तो एटम वर्क के जितने भी BLDC फैन है, सीलिंग फैन है, वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है। और मुझे ये फैन इसलिए ज़्यादा पसंद है कि बिल्कुल भी शोर नहीं करते हैं, नॉइस फ्री हैं, और मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, एडिटिंग करने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा है। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, ये जो है इसकी शायद 4 नंबर पर है, और ये अब जो है ये 4 नंबर पर है। और इसमें जो रोटेशन स्पीड है फैन की वो 370 RPM है, यानी कि 370 बार जो है रोटेट करेगा पर मिनट। और ये इसकी 5 नंबर पर है, और अब जो है मैं आपको ये इसकी बूस्ट स्पीड दिखाता हूँ। तो ये इसकी बूस्ट स्पीड है, तो ठीक ठाक है, एयर फ्लो इसका काफ़ी अच्छा है। नॉइस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो इसके पहले वाले जो मॉडल है वो ज़्यादा साइलेंट थे। तो बाकी मैं आपको फुल रिव्यू जो है आपको आने वाले टाइम में दूंगा। तो आप इस प्रोडक्ट को हमारे दिए लिंक से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या अमेज़न दोनों से खरीद सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है, तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पे, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है, तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पर आएंगे।